देखिए, अगर इसमें मेहनत ना होती तो आज मैं यहाँ पे ना बैठा होता। शोहरत मेरे पास थी, घर में बैठा रहता, सुकून से जो मुझे मिलता वो मुझे आ रहा होता। लेकिन आपको मेहनत भी करनी पड़ती है, आपने कुछ भी करना है। अब अगर हम देखते हैं KFC मैकडोनल्ड्स को देखते हैं, कितने टाइम से चल रहा है, आपको पता है पूरी दुनिया में चल रहा है, लेकिन उनको भी मेहनत की ज़रूरत है। वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे होते हैं, हर जगह जगह पे उनका ऐड लगा होता है। मैसेज देना चाहूँगा अपने हमारे शहबाज शरीफ साहब को देना चाहूँगा कि आप अगर हाई लेवल के लोगों का आपको ख्याल नहीं है, जो गरीब तबका है, आप उनका कुछ ना कुछ ख्याल करें। अब पेट्रोल 240 पे जा चुका है, सुनने को आ रहा है कि 310 पे जाने वाला है, तो गरीब आवाम है वो क्या करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अपने घर मौजूद नहीं है, बच्चे हैं उनके, पानी भी अक्सर लोग जो है ना टैंकर डलवाते हैं। अगर हम साइड पे जाते हैं, पिंडी वाली साइड पे जाते हैं या किसी और साइड पे जाते हैं, पानी के अलग उनके खर्चे होते हैं, घर का रेंट उनका अलग होता है, तो 18-20 हज़ार रुपये सैलरी में कुछ भी नहीं होता। देखिए, पूरी मीडिया मुझे अप्रोच कर रही थी, मॉडलिंग एक्टिंग स्टार्ट किया, उसके बाद जो है ना काफ़ी अच्छे लेवल पे गए, शूट्स वगैरह किए। फिर चाय, तो आपको बताइए कि मेरा पहचान है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चाय को, इस अपने एक पहचान को एक अच्छे लेवल पे साथ लेके जाऊँ। ब्रांच मरी में है, इस्लामाबाद गुलबर्ग ग्रीन में है, इस्लामाबाद F6 सुपर मार्केट में है, उसके बाद बालाकोट में लॉन्च होने जा रहा है, उसके बाद लंदन में हमारे हैं अल्फाबेट्स लाइन में इंशाल्लाह ओपनिंग होने वाली है। सियासत से कुछ लिख दी है मैंने, लेकिन सपोर्ट अगर करूँगा भी, करना भी चाहूँगा तो PTI को करूँगी। हमारी जो नई यूथ है उनको मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले अपने काम और अपने स्टडी पे फोकस करें, अपने माँ बाप की दुआएं।